हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। यहाँ पर हम लोग देखेंगे पर्यावरण फुल टेस्ट एकदम से। यहाँ पे देखिए ईवीएस की बुक से आपका ये पर्यावरण का टेस्ट होगा। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पूरा एससीईआरटी, आप कुछ भी पढ़ के जाएं चाहे ना, लास्ट में आपको एससीईआरटी जरूर पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, बिना टाइम वेस्ट किए साइंस वाले और ईवीएस वाले दोनों देखेंगे ध्यान से। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, एक लाइक और एक शेयर आप लोग करते रहिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन है अपशिष्ट से मुक्ति पाने से संबंधित 3R में सम्मिलित नहीं है। 3R में क्या सम्मिलित नहीं है? 3R इवन 4R है, लेकिन विकल्प में 3 आपको रखना था। तो यहाँ पे देखिए, कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनरुद्भवन, पुनः चक्रण। 4R का क्या मतलब होता है आपको मैंने एससीईआरटी में पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, पुनरुद्भवन नहीं होगा। पुनरुद्भवन रीजनरेशन होता है, कोई एक पार्ट हाइड्रा का जैसे एक पार्ट टूट जाता है फिर उसे एक नया पार्ट बनता रहता है, नया पार्ट, तो ये हो जाता है रीजनरेशन, ठीक है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। निम्नलिखित में से सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है, कौन है? शैवाल, ब्रायोफाइटा, लाइकेन, टेरिडोफाइटा। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, लाइकेन। लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है, जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड होता है वहां पे लाइकेन नहीं पनपता है। मेनली अगर हम कहें तो वायु प्रदूषण के प्रति, किसके प्रति? वायु प्रदूषण के प्रति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है स्मॉग है, स्मॉग क्या है? स्मॉग क्या है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? स्मॉग। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, कोहरा एवं धुआं। कोहरा और धुआं है स्मॉग। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे सारा आपको एससीईआरटी से मिल रहा है, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। अब यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वायु है। अभी मैंने बताया वायु क्या है, मैंने अभी बताया था वायु क्या है, वायु मिश्रण है। तो यौगिक यहाँ पे कौन सा होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, बी ऑप्शन सही हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन फिक्स है, ऑक्सीजन फिक्स है, अगर वो कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 हो जाएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। बात समझ आ रही है? नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, कोई नोटिफिकेशन नहीं जा रहा। आप लोग चैनल पे देख लिया कीजिए कब हम वीडियो अपलोड कर दे, कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होगी? 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होगी? विकल्प आप सभी के सामने, तो आपको बताना है विकल्प चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, 332 मीटर प्रति सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है पूछा जा रहा है, सबसे कम किस में होती है? आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करिए और जल्दी से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, सबसे कम पूछा जा रहा है, सबसे कम गैस में होती है। सबसे अधिक किस में होती है आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड की वजह से। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड की वजह से होती है, जल की स्थायी कठोरता। दहन में सहायता करने वाली गैस कौन सी है? दहन में जलने में कौन सी गैस सहायता करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, ऑक्सीजन। कौन सी? O2 जलने में सहायता करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडा वाटर, कोला तथा अन्य झागदार पेय में जो बुलबुले दिखाई देते हैं वे किसके होते हैं? किसके होते हैं? सोडा वाटर में, कोला में, और जो झागदार पदार्थ होते हैं जैसे खोलने के बाद झाग झाग सा दिखने लगता है, वो बुलबुले किसके होते हैं? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, कार्बन डाइऑक्साइड के। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है,
शुष्क वर्प किसे कहते हैं? शुष्क वर्प कल हमने क्वेश्चन करवाया था आपका जब मैराथन क्लास था पर्यावरण का, अभी वो क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, जल्दी से वो क्वेश्चन कवर करेंगे। शुष्क वर्प किसे कहते हैं? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस, अग्निशामक यंत्र से कौन सी गैस निकलती है आपको बताना है यहाँ पे। विकल्प सही हो जाता है आपका बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सॉरी। वायु के किस घटक की मात्रा परिवर्तनीय है? वायु के किस घटक की मात्रा परिवर्तनीय है? जल वाष्प की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की या ऑक्सीजन की? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ए सही हो जाता है, जल वाष्प। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, सारे बहुत ही सिलेक्टेड आपके एससीईआरटी के क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे दे रहे हैं, सेलेक्ट करके, कलेक्ट करके, लिख करके। विश्व में सबसे अधिक काली मिर्च का उत्पादन होता है, विश्व में सबसे अधिक काली मिर्च का उत्पादन कहाँ पे होता है आपको बताना है। जल्दी से आप लोग ऑप्शन चूज करिए, भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, भारत। अगला है, वनीला प्राप्त किया जाता है किससे? प्राप्त किया जाता है वनीला किससे? प्राप्त किया जाता है, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, ऑर्किड से, पेड़ है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर या एपिकल्चर? इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपिकल्चर। अच्छा, सेरीकल्चर किसे कहते हैं? सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम कीट पालन को कहते हैं। मछली उत्पादन में वृद्धि करने को क्या कहते हैं? मछली उत्पादन में वृद्धि करने को क्या कहते हैं? सारा क्वेश्चन आपकी एससीईआरटी बुक से है। मछली उत्पादन में वृद्धि करने को क्या कहते हैं? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, नीली क्रांति। साइट्रस फलों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कौन सा विटामिन? साइट्रस फलों में जो खट्टे फल होते हैं उनमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, विटामिन सी पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है, रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है। रेशा प्रदान करने वाला पौधा कौन सा नहीं है? नीम, कपास, जूट, नारियल। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है नीम। नीम से रेशा नहीं मिलता है, जबकि जूट, कपास, नारियल से रेशा मिलता है। रफेज सहायता करते हैं, रफेज किस में सहायता करते हैं? पाचन क्रिया में। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, किस में सहायता करते हैं? पाचन क्रिया में, इनसे पाचन अच्छा होता है। कुपोषण जनित रोग कौन सा है? कुपोषण जनित रोग कौन सा है? जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी आप लोगों को रिप्लाई करनी है। देखिए कितनी फास्ट हम क्लास कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों का टाइम सेव हो और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिल जाए। तो चलिए एक बार सभी लोग, आप सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। गुड। कुपोषण जनित रोग है मेरेस्मस, क्वाशरकोर, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, ए और बी दोनों। कुपोषण जनित रोग, ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, मेरेस्मस और क्वाशरकोर दोनों है। किस खनिज का समावेश दंत वलक यानी कि इनेमल का क्षरण रोकता है? किस खनिज का समावेश भोजन में किसका सेवन करें, कौन सी चीज रहे जिससे कि इनेमल जो है सबसे कठोर पार्ट होता है ना पूरे शरीर का, इसका क्षरण रोका जा सके? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन है। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से कहने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आप लोग क्वेश्चन देख के समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है सी, बगीचा, प्राकृतिक पारितंत्र नहीं। प्रमुख संसाधन जो स्थल पर जीवन का निर्धारण करता है वो क्या है? प्रमुख संसाधन जो स्थल पर जीवन का निर्धारण करता है वो कौन सा है? मृदा की प्रकृति, तापक्रम, जल, दोनों जल हो गया। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, जल है। नेक्स्ट है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसमें सबसे ज्यादा संख्या किस चीज की होगी? अब घटक की होगी या उत्पादक की होगी, प्राथमिक उपभोक्ता की या द्वितीयक उपभोक्ता की? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा ए, अपघटक की होगी। सबसे ज्यादा अपघटक की होगी जब एक स्थलीय पारितंत्र है तो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड का निर्माण नहीं करता है? कौवा, कोयल, गौरैया, बुलबुल। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, कोयल। इसके नीड का निर्माण कौन करता है? कौवा करता है।
नेक्स्ट है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे आवश्यक क्या है? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है, निरंतर ऊर्जा प्रवाह होना, निरंतर ऊर्जा का प्रवाह होता रहे उसमें, निरंतर ऊर्जा का प्रवाह होता रहे, खुला रहे वो पारितंत्र, बंद ना रहे। सूर्य से प्राप्त होने वाली अधिकांश ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही नष्ट हो रही है। सूर्य से प्राप्त होने वाली अधिकांश ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व भी नष्ट हो रही है, किसकी वजह से? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, अत्यधिक प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर पहुंचने वाली ऊर्जा पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जा रही है। फिर है, पक्षियों का स्वर्ग की उपमा किस उद्यान को दी जाती है? पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, किस उद्यान को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाता है, केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है आप लोगों को बताना है जल्दी से, कहाँ पर है ये, कहाँ पर है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, कई बार क्लास में बताया जा चुका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हरा सोना की उपमा किसे प्रदान की गई? हरा सोना किसे कहते हैं? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, किसे कहेंगे? वन को कहेंगे। ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, वन को हरा सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन नामक पक्षी कहाँ पाया जाता है? पेंगुइन नामक पक्षी अंटार्कटिका पे पाया जाता है। लास्ट में आज का सवाल है, आज के सवाल के बाद भी आज का क्वेश्चन है, अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, परेशान नहीं होने। केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? विकल्प आपके सामने है, आपको बताना है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज का सवाल ही हो जाता है, फिर आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, आपको जल्दी से क्वेश्चन करवाते हैं, वन लाइन है। पूर्ण मूल परजीवी का उदाहरण क्या है? ओरोबैंकी। पूर्ण स्तंभ परजीवी का उदाहरण अमरबेल। कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ जो सहजीवन है वो क्या कहलाता है? माइकोराइजा कहलाता है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, जब दो भिन्न पौधों का संबंध खाद्य के लिए ना होकर के रहने के लिए होता है तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? अधिपादप कहते हैं, एपिफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जब उनका संबंध खाद्य के लिए ना होकर के केवल रहने के लिए होता है तो क्या कहलाते हैं? एपिफाइट। अभी मैंने इससे पहले की क्लास में बताया, आज की क्लास में एपिफाइट का एग्जांपल आपको देना है, नीचे आप बताइए कमेंट सेक्शन में। फिर यहाँ पे देखिए, यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथीस, डायोनिया एवं ड्रोसेरा ये किस प्रकार के पौधों के उदाहरण है? तो यहाँ पे विकल्प अगर आपका आ जाता है तो कीट भक्षी पौधे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कीट भक्षी पौधे कहाँ पर उगते हैं? जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पे कीट भक्षी पौधे उगते हैं और अपने नाइट्रोजन की पूर्ति किससे करते हैं? कीटों को खा करके करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य चालक बल किसे माना जाता है? तो उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सौरिक विकिरण को। फिर आगे, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ एवं सर्प को कहते हैं। फिर है, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सी नदी है? गंगा नदी। मिस्र किसकी देन है? तो उत्तर आपका सही हो जाएगा, नील नदी की। अगला है क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, दामोदर नदी। तो जल्दी जल्दी से एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से जितने भी स्टूडेंट हमारे देख रहे हैं, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग एक लाइक में भी कंजूसी बहुत ज्यादा करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी हो गया। ठीक है, नहीं चल रहा है अब यहाँ पे देखिए। अच्छा, नेटवर्क सही है तो आप लोग जल्दी से एक मैसेज कर दीजिए, जल्दी जल्दी से एक रिप्लाई करिए, फिर क्वेश्चन को हम आगे कंप्लीट कर देंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ही लोगों के लिए मैंने लिखे हैं तो आप ही लोगों को तक पहुंचाना है। चल नहीं रहा, नहीं ऐसा नहीं होगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा, उपमा प्रदान की जाती है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो उत्तर आपका सही हो जाएगा, कोसी नदी। फिर है, भूपर्पटी में किस तत्व की अधिकता होती है? भूपर्पटी में ऑक्सीजन की अधिकता होती है। अच्छा सही है, चलिए अब यहां पे देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन तो सही लग रहा है ना, तो यहां पे थोड़ा सा चलिए सही है, सब कुछ हम कंटिन्यू करेंगे, रुकना बिल्कुल नहीं है। अब आगे देखिए, रुकने का टाइम है ही नहीं। आगे देखिए, सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त चट्टान निर्माणक खनिज कौन सा है? सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त चट्टान निर्माणक खनिज कौन सा है? फेल्सपार है।
चट्टान बनाने में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला खनिज है फेल्सपार। ठीक है, क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त किया जाने वाला खनिज कौन सा है? पायराइट। जो क्षारीय मृदा होती है उसके सुधार के लिए एक खनिज प्रयोग किया जाता है जिसको कहते हैं पायराइट। प्रथम श्रेणी का उच्चावच क्या है? महाद्वीप कहा जाता है प्रथम श्रेणी का उच्चावच। पर्वत पठार भ्रंश मैदान किस श्रेणी की उच्चावच है? ये सभी द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। और पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और अगला है, किस भूकंपीय लहर द्वारा पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक विध्वंस होता है? यल लहर होती है। बृहद रूप से स्थलमंडल यहां पे आगे आइए। पृथ्वी की प्लेटें, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, पृथ्वी की प्लेटें किस मंडल पर सतत गतिशील हैं? तो विकल्प आपके यहाँ पे सही हो जाएगा एथेनोस्फीयर। सिलिकेट समूह में कौन कौन से आते हैं? फेल्सपार आता है, क्वार्टज आता है। कार्बोनेट समूह में क्या आता है? कैल्साइट आता है। सल्फाइड समूह में पायराइट और लौह अयस्क आता है। ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और सभी एससीईआरटी का मैटर है। धात्विक ऑक्साइड का समूह क्या है? बॉक्साइट है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट दे दिया जाता है। निम्नलिखित में से धात्विक ऑक्साइड है, बॉक्साइट एक दे दिया, बॉक्साइट दूसरा पायराइट, लौह अयस्क, फिर उसके बाद फेल्साइट। तो आपको विकल्प चूज करना होता है। फिर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? 0.03%। फिर है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? 0 से लेकर 5% होती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। पार्श्विक विकिरण किस रूप में होता है? बहिर्गामी दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। वायुमंडल में अशुद्धियों में किसके कण आद्रता ग्राही नाभिक बनाते हैं? नमक के कण जो होते हैं आद्रता ग्राही नाभिक बनाते हैं। आकाश का नीला रंग प्रातः एवं गोधूली के समय आकाश की जो लालिमा होती है उसका कारण क्या है? आकाश का नीला रंग प्रातः के समय और गोधूली के समय आकाश की लालिमा का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। इन सभी का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश का जो नीला रंग दिखता है और सुबह के समय और शाम के समय जब गोधूली होती है तो लालिमा से बिखरी रहती है, उसका कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। क्षोभ मंडल की सामान्य पतन दर कितनी है? देखिए 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस का ताप घटता है। अगला है, सामान्यतया यहाँ पे सामान्यतया वायुमंडल में किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? तो आपका उत्तर सही होगा यहाँ पे समताप मंडल। वायुमंडल के किस मंडल में तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है? तो विकल्प आपका सही हो जाएगा अगर आएगा मध्यमंडल। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव कौशल द्वारा प्रभावित जैव मंडल को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? मानव कौशल द्वारा प्रभावित नूस्फीयर, वह मंडल जिसमें आवेशित कण तैरते रहते जहां से रेडियो तरंग पृथ्वी की ओर परावर्तित होती, वो है आयन मंडल। सबसे लंबी तरंग रेडियो की होती है। कहां पर शरद ऋतु नहीं पाया जाता? भूमध्य रेखा के पास। पृथ्वी पर पवन संचरण का कारण क्या है? वायुदाब प्रवणता है। ठीक, फिर है, तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम के बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सभी ग्रह वामावर्त घूमते हैं सिवाय किसके? सभी ग्रह वामावर्त घूमते हैं सिवाय शुक्र के। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह LED और CFL प्रयोग हो रहा है, इसका कारण क्या है? इसकी ऊर्जा दक्षता अधिक है। अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो उसमें कमी किसकी होगी? किस विटामिन की? तो विटामिन डी की कमी होगी। दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? कपास है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का यही तरीका है। M.S. स्वामीनाथन नामक भारतीय आनुवांशिक विद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा हरित क्रांति। आगे आते हैं, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम अब क्या है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता। गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और ये किस राज्य में स्थित है? तो गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कहाँ कौन सा है? काजीरंगा है। कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है।
चिपकोनारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। चिपकोनारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था? ये सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। भारत वर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में। ठीक, फिर यहाँ पे पूर्णतया कार्बनिक, पूर्णतया ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? पूर्णतया कार्बनिक सिक्किम है। कोयले की किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा उत्तर एंथ्रासाइट। कठोर कोयले की सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला है? उत्तर आपका होगा एंथ्रासाइट। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? उत्तर आपका होगा थोरियम। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? उत्तर होगा आपका भागीरथी नदी पर। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर है। ठीक, सूर्य की सबसे बाहरी यानी कि ऊपरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना या किरीट कहते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं, किस प्रकार के वनों में बिना अनुमति के समस्त प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं? किस प्रकार के वनों में बिना अनुमति के समस्त प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं? ठीक है, तो आरक्षित वन, उत्तर आपका सही हो जाएगा आरक्षित वन। सॉरी, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? 21% है। अच्छा, आगे देखिए, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है कहां पर? पूर्वी दक्कन में। अगला है, शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति किस वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है? तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। अब आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका के किस वन में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, वन एवं वन्य जीव आप में है तो एनाकोंडा भी वन्य जीव है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है लगभग कितना? लगभग है 12%। भारत में मैंग्रोव जो ज्वारी वन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहां पर पाई जाती है? उत्तर आपका सही हो जाएगा सुंदरबन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, जितना फास्ट चल रहे हैं इसी तरीके से ज्यादा क्वेश्चन स्कोर हो पाएगा आपका, टाइम सेव होगा, एग्जाम नजदीक है तो आप लोग सुनते चलिएगा, सब कुछ तैयार हो जाएगा। हम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक भी टाइम अपना वेस्ट करें, एक सेकंड भी नहीं वेस्ट करें। अब आगे आप लोग जान सकते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में, मेरी राइटिंग से पता चला कितना फास्ट मैंने लिखा, बस ये पर्पज है कि मैटर आप लोगों तक पहुंचे। क्षेत्रों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो ध्रुवीय क्षेत्रों में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों को फलों की कृषि के कारण क्या कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेशों को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्या है? सुंदरवन है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव भितरकनिका ओडिशा है। देखिए, सबसे बड़ा तो पूछा जाता है, दूसरा वाला भी पूछा जाता है आजकल। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक मिनट। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये 4.2 से कम होता है। सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होता है? सिलिकोसिस सिलिका की वजह से होता है, एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टास की वजह से होता है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है, अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। यहाँ पे क्या कहते हैं? अक्ष अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अश्व अक्षांश 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, व्यापारिक हवाओं का विस्तार पाया जाता है कितने से कितने? 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच, 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच व्यापारिक हवाओं का विस्तार पाया जाता है। चेकती शाखा क्या है? 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तूफानी पछुआ पवन को कहते हैं चेकती साटा। चिनूक तथा फौन
कहाँ की स्थानीय हवाएं हैं? चिनूक रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल एवं फ्रांस की। चिनूक और फान कहाँ की स्थानीय हवाएं हैं? रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल एवं फ्रांस की है ये। विश्व की अधिकांश वर्षा किस प्रकार की होती है? विश्व की अधिकांश वर्षा पर्वतीय वर्षा। देखिए, संसार का सर्वाधिक गतिक एवं विध्वंसक तूफान टॉर्नेडो यूएसए का। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं? इसमें कौन सा जो महकता है, जो बदबू करता है, जिससे हाँ पता चल जाता है गैस खुली हुई है, तो वो होता है एथिल मरकैप्टन। एलपीजी में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, ये दोनों का मिश्रण जो होता है गंधहीन होता है, इसीलिए इसको मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टन को। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्रव सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को। जीवाश्म ईंधन है और जहां पे होता है उस देश को अमीरी बनाए रखता है। विश्व का सबसे पहला तेल कूप कहां खोदा गया? तो ये है उत्तर आपका अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में। कब? 1859 को। तो ये हो गया आपका पूरा ईवीएस का। कम से कम यहां पे हमने लगभग 150 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ज़्यादा ही होगा, 150 प्लस क्वेश्चन होगा। तो आप लोग एक बार जरूर ईमानदारी से आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और ऐसे ही क्वेश्चन कल भी कवर कराएंगे। यही सबसे बेस्ट तरीका है, फास्ट रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे हम लोग सारी क्लासेस ऐसे कवर कर लेंगे। परेशान बिल्कुल मत होइए, एक बार देखेंगे अब जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। हाँ, रिस्पॉन्स क्या करें। तो चलिए आज के सवाल पे आ जाते हैं। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल है, ठीक है, जो सोडा वाटर वगैरह की बोतल होती है, जो झागदार पेय पदार्थ होते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? आपको रिप्लाई करना है। तो विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? चलिए विकल्प दे देते हैं, उत्तर ही आप लोग डायरेक्टली बताइए। O2, CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से रिप्लाई करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन भी पूछें, काली मिर्च का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, किस देश में होता है? देखिए, बहुत पूरे क्लास में नोटिफिकेशन नहीं आया था, ये सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। देख रहे हैं आप लोग, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं। आप लोग वीडियो को आराम से देख लीजिए, देखिए सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने कवर किए हैं पूरे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। ठीक है, तो चलिए ये पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आप लोग ऐसे सरसरी निगाह से देखेंगे, सब कुछ देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए चलते हैं, अब आप लोग आराम करिए और आज का ये क्वेश्चन भी आप लोग रिप्लाई जरूर कीजिएगा, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। तो चलिए मिलते हैं फिर। दर्शन, आप लोगों ने हमें देखा है, हमने वीडियो एक अपलोड किया था तो उसमें हमने आप लोगों ने हमें देखा है। ठीक है, अभी नहीं देखा लोगों ने लाइव आने में। अच्छा ठीक है, एक वीडियो अभी हम उस पर करेंगे, कम्युनिटी पे डाल देंगे। पिछली बार का ऑल द बेस्ट था, उसमें मैंने अपनी फोटोज लगाई है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अभी हम कम्युनिटी पे डाल देंगे आप लोगों को अगर इतनी इच्छा है। ठीक है, इंग्लिश का टेस्ट अगर आप लोग तैयार हो तो हम अभी करा दें इंग्लिश का टेस्ट। यूट्यूब बहुत गंदा हो चुका है, यूट्यूब नहीं देता नोटिफिकेशन। यूट्यूब की गलती नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, आप लोगों ने बेल आइकन नहीं प्रेस किया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ईमानदारी से मेहनत के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। आप लोग लाइक वाइक करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, जिससे कि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े और हम भी थोड़ी सी मेहनत अगर करते हैं तो कुछ ना कुछ आप लोग मेरा भी पावर बूस्टर की तरह काम करता है। तो लाइक और शेयर। तो हाँ, आप तैयार हैं इंग्लिश के लिए? ठीक है, हाँ फोटो फोटो देखिए, फोटो बहुत है। अब लोग लाइव, जब आप लोग पास हो जाएंगे, टीचर बन जाएंगे ना, तो आप लोग मिठाई, हाँ तो मिठाई खिलाने आइएगा आप लोग, या आप लोग जहाँ बुला लेंगे हम आ जाएंगे, आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं तो हम आ जाएंगे जहाँ भी आप बोलेंगे। ठीक, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। इंग्लिश के लिए आप लोग तैयार हो तो हम इंग्लिश करा देते हैं। ठीक, चलिए, ओके, वेरी गुड।